अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोगों की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अपने लिए दुआ किया करें तो मेरे लिए भी दुआ किया कीजिए, और फिर जो काम करना होता है वो कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। अच्छा, मुझे ये बताना था कि आप जब भी फेस वॉश करते हो या आप सोप से धो रहे हो या किसी चीज़ से भी अपना फेस वॉश कर रहे हो, उसके बाद लाजमी कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। अगर आप यूज़ नहीं करते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोशन लगा लो, आप कोई क्रीम लगा लो, बट समथिंग आप लगाओ, और बहुत क्वांटिटी में नहीं, मिनिमम क्वांटिटी में, ताकि आपकी जो स्किन है वो प्लम्प रहे और उसे एक मॉइस्चराइज़र मिलता रहेगा तो वो ड्राई नहीं होगी, ठीक है। और ये मैंने एक बाय किया था हाई फाई से, इंस्टाग्राम पेज है इसका, और ये मैंने बाय किया था। ये मिनी में मिलती है, इनका लार्ज वाला कभी भी स्टॉक नहीं होता है। ये लेन ईज करके नाम है इसका, वाटर स्लीपिंग मास्क है ये, आप रात में लगा के सो सकते हो। मैं कभी रात में लगा लेती हूँ, अगर मेरा कोई और रूटीन होता है रात में स्किन केयर का, तो फिर मैं इसको जब मैं अपने ऑफिस से आती हूँ उस बात लेने के बाद फिर मैं लगा लेती हूँ, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। और इससे होता है कि आपकी जो भी स्किन है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है और प्लम सी हो जाती है एक, हालांकि इसमें लिखा है कि आपको ब्राइटनेस मिलती है, एज सच ब्राइटनेस नहीं हो जाती है, बट या एक आपको यू नो हाइड्रेशन मिल जाती है। सी पहले कैसी थी और अब कैसी है, हाइड्रेशन सी मिल जाती है। बस आप इसको लगाने के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, इससे आपको कोई लॉन्ग रन बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छी है। एज अ मॉइस्चराइजर की जगह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया सेल भी लगती रहती है, आप वहाँ से भी सेल पे भी ले सकते हैं, और ये मुझे अराउंड आई थिंक जो 1300 की पड़ी थी ऑन सेल। या तो आप अगर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएं तो आप इसी को जो है वो डबल ट्रिपल एक दफ़ा आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तो आप इसको छोटी ही ऑर्डर करके रख सकते हैं, दो तीन, और ये चल जाती है आराम से। मुझे थोड़ी थोड़ी लगानी होती है आपको, तो आराम से 1 मंथ चल जाती है, नॉट अ बिग डील। तो या इफ़ यू वांट ट्राई समथिंग लाइक दिस, यू कैन ट्राई इट आउट। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। बाय बाय।